नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका आपके अपने चैनल नई उमंग में। तो आज हम इस वीडियो के माध्यम से बात करने वाले हैं, अभी हाल ही में मध्य प्रदेश में एक नई भर्ती का नोटिफिकेशन जारी किया गया है, और वो किस चीज़ का है? एमपी पटवारी रिक्वायरमेंट 2023 का नोटिफिकेशन आपका जारी कर दिया गया है। तो इस वीडियो के माध्यम से हम डिस्कस करने वाले हैं कि जो अभी मध्य प्रदेश में पटवारी के 2736 पदों के लिए आपसे जो आवेदन मांगे गए हैं, उसके बारे में विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे। जैसे कि एमपी पटवारी का सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा, मध्य प्रदेश पटवारी का एग्जाम पैटर्न क्या रहेगा, मध्य प्रदेश पटवारी का सिलेबस क्या रहेगा, एमपी पीईबी पटवारी की सैलरी क्या रहेगी, और भी बहुत सारी बातें जो आपके मन में एमपी पटवारी ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म 2022 के बारे में जितने भी डाउट हैं, वो सारे डाउट इस वीडियो के माध्यम से हम डिस्कस करने वाले हैं। अगर आपके मन में कोई डाउट रह जाता है या फिर आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आती है, तो आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिल जाएगा, आप उस लिंक पर क्लिक करके सारी जानकारी देख सकते हो। इसके अलावा आप नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हो, आपकी तुरंत सहायता की जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज की जानकारी को। जानकारी किस चीज़ के बारे में है? एमपी व्यापम पटवारी वैकेंसी 2023 का आपका नोटिफिकेशन है वो जारी किया गया है। मध्य प्रदेश प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड यानी एमपी पीईबी ने ग्रुप सेकंड सब ग्रुप फोर के तहत पटवारी के पदों पर भर्ती जो कि सीधी और बैकलॉग भर्ती है, तो संयुक्त भर्ती परीक्षा 2023 के लिए एक अधिसूचना जारी की है। इस अधिसूचना के अनुसार एमपी पीईबी ने पटवारी के 2736 पदों के लिए आपसे ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए हैं। योग्य और इच्छुक उम्मीदवार 5 जनवरी 2023 से 19 जनवरी 2023 तक आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से एमपीपीबी में एमपी पटवारी भर्ती 2023 के लिए आवेदन कर सकते हैं। यहां हम एमपीपीबी पटवारी ऑनलाइन फॉर्म 2023 के अन्य विवरण जैसे कि इसके लिए आयु सीमा क्या रहेगी, शैक्षणिक योग्यता क्या रहेगी, सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा, आवेदन शुल्क क्या रहेगा, इसका एग्जाम पैटर्न क्या होगा, सिलेबस क्या रहेगा और इसके लिए आवेदन कैसे करें आदि के बारे में विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे। तो चलिए सबसे पहले अपन बात कर लेते हैं एमपी पीईबी पटवारी वैकेंसी डिटेल के बारे में। वैकेंसी डिटेल के बारे में अगर अपन बात करें तो जनरल कैटेगरी के लिए 975 पोस्ट है, ईडब्ल्यूएस के लिए 223 पोस्ट है, ओबीसी के लिए 615 पोस्ट है, एससी कैटेगरी के लिए 337 पोस्ट है, एसटी के लिए 586 पोस्ट है। टोटल अगर बात करें तो 2736 पदों के लिए अभी आपसे ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। चलिए बात कर लेते हैं इन पदों के लिए आपकी शैक्षणिक योग्यता क्या रखी गई है। शैक्षणिक योग्यता बारे में अगर बात करें तो उम्मीदवार को किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से किसी विषय में अगर आपने ग्रेजुएशन की डिग्री कर रखी है और साथ में आपको कंप्यूटर पर हिंदी टाइपिंग आती है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। यानी आपकी ग्रेजुएशन होना चाहिए और साथ में आपको कंप्यूटर पर हिंदी टाइपिंग आना जरूरी है। अब बात करते हैं एज लिमिट के बारे में। एज लिमिट के बारे में अगर अपन बात करें तो मिनिमम एज आपकी 18 वर्ष होनी चाहिए और मैक्सिमम एज आपकी 40 वर्ष हो सकती है। इसके अलावा जो आपको सरकारी नियमों के अनुसार सरकारी नौकरी में आयु सीमा में छूट दी जाती है, वो छूट आपको यहाँ पे भी प्रदान की जाएगी। चलिए बात कर लेते हैं अब इंपॉर्टेंट डेट के बारे में। तो एमपी पटवारी ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरने की स्टार्टिंग डेट के बारे में अगर बात करें तो आपके फॉर्म वो 5 जनवरी 2022 से भरने शुरू होंगे। अगर बात करें मध्य प्रदेश पटवारी ऑनलाइन फॉर्म भरने की लास्ट डेट के बारे में तो आप 19 जनवरी 2022 तक आप 2023 तक आप फॉर्म भर सकते हो। 5 जनवरी 2023 से आपके फॉर्म भरने शुरू होंगे और 19 जनवरी 2023 तक आप अपना फॉर्म भरकर जमा करवा सकते हो। एग्जाम डेट के बारे में अगर बात करें तो आप 15 मार्च 2023 को आपका एग्जाम वो कंडक्ट किया जाएगा, यानी आपकी एग्जाम डेट भी जारी कर दी गई है। बात करते हैं एप्लीकेशन फीस के बारे में। एप्लीकेशन फीस के बारे में अगर अपन बात करें तो एससी एसटी और ओबीसी कैंडिडेट के लिए 310 रुपये फीस लगेगी। जनरल और अदर स्टेट कैंडिडेट के लिए आपकी 560 रुपये फीस और रखी गई है। फीस का भुगतान आपको ऑनलाइन माध्यम से करना होगा, जैसे कि डेबिट कार्ड हो गया, क्रेडिट कार्ड हो गया, नेट बैंकिंग हो गया आदि के माध्यम से आप अपनी फीस का भुगतान कर सकते हो। चलिए अब बात कर लेते हैं कि मध्य प्रदेश पटवारी का आपका जो सिलेक्शन प्रोसेस है उसके बारे में, यानी एमपीपीबी पटवारी सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में अगर अपन बात करें तो इसमें आपका रिटर्न एग्जाम होगा, उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, उसके बाद आपका मेडिकल एग्जाम होगा। इन सभी चरणों से गुजरने बाद आपको क्या फाइनल सिलेक्शन है वो दिया जाएगा। चलिए अब बात कर लेते हैं जो मध्य प्रदेश पटवारी का आपका जो रिटर्न एग्जाम होगा उसका एग्जाम पैटर्न क्या रहने वाला है। अब की बार इसका नया एग्जाम पैटर्न वो जारी किया गया है। तो बात करते हैं एमपीपीबी पटवारी न्यू एग्जाम पैटर्न के बारे में। तो एग्जाम पैटर्न के बारे में अगर बात करें तो एमपीपीबी पटवारी का एग्जाम पैटर्न क्या रहने वाला है, इसमें आपके दो पार्ट होंगे की बार पेपर में। पार्ट फर्स्ट की अगर बात करें तो उसमें आपका सामान्य विज्ञान, सामान्य हिंदी, सामान्य अंग्रेजी और गणित से संबंधित 100 नंबर के आपके प्रश्न पूछे जाएंगे। पार्ट बी आपका क्या रहेगा,
इसमें आपका सामान्य ज्ञान एवं अभिरुचि, सामान्य कंप्यूटर ज्ञान, सामान्य तार्किक योग्यता और सामान्य प्रबंध से संबंधित आपके 100 नंबर के क्वेश्चन है वो पूछे जाने वाले हैं। पहले क्या होता था, आपका 100 नंबर का पेपर होता था, अब की बार आपका 200 नंबर का पेपर आयोजित किया जाएगा और 100-100 नंबर के आपके दो पार्ट होंगे, इसमें आपके के सभी सब्जेक्ट है वो शामिल होने वाले हैं। चलिए बात करते हैं थोड़े पेपर के बारे में। तो एमपी पटवारी पेपर के बारे में अगर बात करें तो यह एग्जाम कुल 200 मार्क्स का होगा, जिसमें एक सवाल का सही जवाब देने पर आपको एक नंबर मिलेगा। और आपको बता दें कि इस परीक्षा में किसी प्रकार की कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी, यानी अगर आप कोई भी क्वेश्चन आपका गलती से गलत भी हो जाता है या फिर तुक्का मारते हो तो गलत हो जाता है, तो उसका आपको नुकसान नहीं उठाना पड़ेगा, क्योंकि इसमें आपकी बार नेगेटिव मार्किंग नहीं है। 200 नंबर का पेपर होगा, पूरा पेपर आपका दो सेक्शन में बंटा हुआ, जिसमें से अगर बात करें तो सामान्य विज्ञान, सामान्य हिंदी, अंग्रेजी और सामान्य गणित, सामान्य ज्ञान एवं अभिरुचि, सामान्य कंप्यूटर ज्ञान, सामान्य तार्किक योग्यता, सामान्य प्रबंध व्यवस्था से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। आपका जो पेपर है उसको हल करने के लिए आपको 3 घंटे का समय दिया जाएगा, यानी आपको 180 मिनट में आपको 200 क्वेश्चन है वो सोल्व करने होंगे, यानी 200 क्वेश्चन आपसे पूछे जाने वाले हैं। तो ये ध्यान रखना, आपको 200 क्वेश्चन आपको 180 मिनट में आपको पूरे करने हैं। चलिए अब बात करते हैं एमपी पटवारी के सिलेबस के बारे में। तो एमपी पीबी पटवारी सिलेबस क्या रहने वाला है, इसमें आप अगर बात करें जीके का, जीके में अगर बात करें तो राजनीतिक और राष्ट्रीय मामले संबंधित क्वेश्चन पूछे जाएंगे, करंट अफेयर आपकी आने वाली है इसमें, भारत और उसके पड़ोसी देशों से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाएंगे, बैंकिंग अवेयरनेस, सामान्य राजनीतिक, कंट्री करेंसी एंड कैपिटल ऑफ अदर कंट्री एंड स्टेट, महत्वपूर्ण लेखक, उपन्यास और पुस्तक, पुरस्कार और सम्मान और खेल सिनेमा, हेडक्वार्टर ऑफ कंट्री, इसके अलावा गवर्नमेंट पॉलिसी और गवर्नमेंट पॉलिसी एंड स्कीम, इंपॉर्टेंट डेट एंड इवेंट्स, भारतीय संविधान, संस्कृति, भूगोल, इतिहास और आर्थिक दृष्टि से संबंधित आप क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसके अलावा अगर बात करते हैं हिंदी का सिलेबस, हिंदी में क्या क्या पूछा जाएगा, वर्तनी की सामान्य अशुद्धियां तथा शब्दों के शुद्ध रूप, शब्दों की स्त्रीलिंग, बहुवचन, किसी वाक्य को अन्य लिंग में परिवर्तन करना, अशुद्ध वाक्यों को शुद्ध रूप, मुहावरे, उनका अर्थ, विलोमार्थी शब्द, पर्यायवाची शब्द, उपसर्ग और प्रत्यय, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, मुहावरे और लोकोक्तियां, संधि विच्छेद, समास, रचना एवं रचयिता, क्रिया से भाववाचक संज्ञा बनाना आदि संबंधित आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अगर आप हिंदी ग्रामर के 50 प्रैक्टिस सेट लगाना चाहते हो तो आपको इसके 50 प्रैक्टिस सेट बिल्कुल आपको फ्री प्रोवाइड करा जा रहे हैं, जिसका लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, आप उस लिंक पर क्लिक करके सारी जानकारी देख सकते हो, वहां से आप प्रैक्टिस सेट लगा सकते हो। चलिए बात करते हैं क्वांटिटी एप्टीट्यूड का सिलेबस क्या रहेगा, तो इसमें अगर नंबर सीरीज आएगा, एलसीएम एचसीएफ, डेटा इंटरप्रिटेशन, सिंपलीफिकेशन, क्वांटिटी इक्वेशन, डेटा सफिशिएंसी, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, डिस्काउंट, एवरेज, मिक्सर एंड एलोकेशन, प्रॉब्लम ऑन एज, परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, टाइम एंड वर्क, डिस्टेंस, बोट एंड स्ट्रीम, पाइप एंड सिस्टम, रेट ऑफ इंटरेस्ट, प्रोबेबिलिटी, प्रोमोटेशन एंड कॉम्बिनेशन, जियोमेट्री, मेंसुरेंस और ट्रिग्नोमेट्री संबंधित आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे। बात करते हैं कंप्यूटर नॉलेज का सिलेबस क्या रहेगा, तो इसमें आएगा बेसिक कंप्यूटर, हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर, फंक्शन ऑफ कंप्यूटर, सीपीयू एंड नेटवर्किंग, इंटरनेट सर्फिंग, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस जैसे कि एमएस वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, डेटा हैंडलिंग, आइकन एंड टूल बार्स, सर्च इंजन संबंधित आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अगर बात करें इंग्लिश का सिलेबस क्या रहेगा, तो इंग्लिश में आएगा ग्रामर, वोकैबुलरी, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, क्लोज टेस्ट, इडियम एंड फ्रेजेस, फिल इन द ब्लैंक, एयर स्पॉटिंग, कॉम्प्रिहेंशन, इसके अलावा वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन संबंधित आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अगर आप इन सभी टॉपिक के मिक्स प्रैक्टिस सेट लगाना चाहते हैं तो इसके 50 प्रैक्टिस सेट आपको प्रोवाइड करा जा रहा है, जिसका लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, आप उस लिंक पर क्लिक करके वो प्रैक्टिस सेट वहां से बिल्कुल फ्री लगा सकते हो। अब बात करते हैं रीजनिंग का सिलेबस क्या रहेगा, रीजनिंग में अगर बात करें तो इसमें आएगा सिटिंग अरेंजमेंट, वर्ड लेसन, इनपुट आउटपुट, टेबुलेशन, कोडिंग रिकॉर्डिंग, अल्फान्यूमेरिक सीरीज, डेटा सफिशिएंसी, रैंकिंग एंड डायरेक्शन, अल्फाबेट टेस्ट, लॉजिकल रीजनिंग, कोडेड इनइक्वालिटी, पजल और सिलोजिज्म से संबंधित आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे। सर ये बात करते हैं जनरल साइंस का सिलेबस क्या रहेगा, तो इसमें आएगा फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, टेक्नोलॉजी, इन्वेंशन एंड डिस्कवरी, साइंस एंड सिलेबस अप टू 10th स्टैंडर्ड से संबंधित आपके क्वेश्चन है वो पूछे जाएंगे। अब बात कर लेते हैं कि जब आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा तो आपकी सैलरी क्या रहेगी, यानी मध्य प्रदेश पटवारी सैलरी बारे में अगर बात की तो एमपी पीवी पटवारी की सैलरी क्या रहने वाली है, आपको सैलरी दी जाएगी 5200 रुपए से लेकर 20200 प्लस में आपको 2100 रुपए वो ग्रेड पे आपको दिया जाने वाला है, जिसके अकॉर्डिंग अगर बात की तो आपको बहुत अच्छी सैलरी दी जाएगी। अगर आप योग्यता रखते हो तो आपको ये फॉर्म जरूर अप्लाई करना चाहिए। तो ये तो थी आज की एक छोटी जानकारी, जिसके माध्यम से हमने डिस्कस किया कि अभी हाल ही में मध्य प्रदेश में पटवारी की नई भर्ती का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। साथ में हमने डिस्कस किया कि एमपी पटवारी का सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा, मध्य प्रदेश पटवारी का एग्जाम पैटर्न क्या रहेगा, एमपी पीएबी पटवारी का सिलेबस क्या रहेगा,
एमपी पीईबी मध्य प्रदेश पटवारी की सैलरी क्या रहेगी, और भी बहुत सारी बातें जो आपके मन में मध्य प्रदेश पटवारी भर्ती 2022 के बारे में जितने भी डाउट बने थे वो सारे डाउट हमने यहाँ पे क्लियर कर दिए। आशा करते हैं हमने आपको जो जानकारी प्रोवाइड कराई है वो आपको अच्छी लगी है, समझ में आई है। अगर जानकारी अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, अगर आप चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और साथ में आपको बेल आइकन दे रखा उसका प्रेस कर लेना ताकि जब भी कोई जानकारी डाल जाए आपके पास उसका नोटिफिकेशन आ जाए और आप जल्द से जल्द क्या जानकारी ज्वाइन कर सको। तो आज की जानकारी बस इतना ही, मिलते हैं एक नई जानकारी साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।